नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। मैं ग्रीस फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस नए सफ़र में। तो आज हम जाएंगे, आपको ले जाएंगे नैनीताल के इस सफ़र में। इस नैनीताल का जो है ये सफ़र हमने कुछ दिनों पहले लगभग सर्दियों में किया था। उस वक्त भी काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम बना था। आ चुकी है अब गर्मियाँ, तो गर्मियों में आपकी फैमिली और बच्चे जो है आपको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो हम आपसे एक जो है नैनीताल का टूर शेयर करते हैं, जहां आप जाकर अपने टूर को और भी आनंदित बना सकते हैं। तो चलिए इस टूर को हम स्टार्ट करते हैं। टूर को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी तक आपने ये रेड वाला बटन अगर आप तक क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर दीजिए, और बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि हमारे चैनल का भी जो है सपोर्ट हो सके। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक हमारे को पॉइंट मिला है यहाँ से, जो है बिल्कुल नज़दीक से जो है लेक का जो नज़ारा है अल्टीमेट आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं ये पूरी जो झील है नैनीताल की, यहाँ से क्या गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सामने आपको जो है खूबसूरत मकान और साथ ही साथ खूबसूरत जो है माल रोड वाली जो है मार्केट। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं राजभवन में, जो है हमारा पहला डेस्टिनेशन है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर विजिट नहीं करते, पर काफ़ी हिस्टोरिकल जो है जगह है राजभवन। मेरे पीछे देख सकते हैं अभी एंट्री जो है लगभग 11 बजे है, और हम जो है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है 10 बजे पहुंच चुके हैं। लगभग आ ही गया है राजभवन नैनीताल। तो कुछ देखने में जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसा देखने के लिए लगता है। ये देखिए राजभवन हमारा पहुँच चुके हैं। तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि लंदन में जो बकिंघम पैलेस है उसकी थीम पर बनाया गया है। जब यहाँ अंग्रेज हुआ करते तो उस वक्त जो है बनाया गया था। तो कुछ इस टाइप से जो है राजभवन के हमारे को दर्शन होते हैं। देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, हरियाली और गार्डनिंग ज़बरदस्त की गई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस राजमहल की हिस्ट्री के बारे में। तो 1897 के करीब करीब इसकी नींव रखी गई थी, और 4 साल में ये लगभग बनके तैयार हुआ था। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस राजमहल की थीम जो है लंदन का बकिंघम पैलेस है, और इसके आर्किटेक्ट जो है सर डोनाल्ड मैक करके जो है ये थे। और ये लगभग 222 जो है एकड़ में बना हुआ है, और लगभग इसमें से 160 एकड़ में जो है जंगल और ये बगीचे वगैरह है, और 56 एकड़ में एक जो है पोलो का ग्राउंड है। अंदर से काफ़ी अच्छा जो है ये देखने में दिखाई पड़ता है। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, अंदर ज़रूर जाकर आप चेक करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ का बनाया गया है। पहुँच चुके हैं नैनीताल के जू पे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जो है जू का रास्ता है, और हमने गाड़ी जो है पीछे की तरफ इस जगह पार्किंग कर दी है। बाइक चार्जेस जो है यहाँ के 20 रुपीज़ है, कार के शायद 50 रुपये या 100 रुपये हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जू के अंदर और वहाँ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है नैनीताल जू के नाम से जाना जाता है। और तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ चिड़ियों के बाड़े से आ गए हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चिड़िया हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो पहले हम बाड़े पे आए हैं, इसका नाम है सिल्वर फीजेंट। तो देखिए हमारे पास आ चुकी है सिल्वर फीजेंट। इसकी पूछ काफ़ी अच्छी है, और लगभग ये चिड़िया कुछ मुर्गी के जैसे देखने के लिए लगती है। तो क्या गजब का यहाँ का ये जू है, ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ के। तो देखो एक हिरन तो हमें सलामी भी दे रहा है। ये देखिए कैसे खड़ा है ये जंगली, बकरियों के जैसे ही लग रहे हैं। ये देखिए तो हमारे पास एक जो है गुलदार आता हुआ है। और एक 12 सिंगा आपको देखने के लिए मिलेगा, वो वहाँ खड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ी जगह इसके लिए दी गई है, और
अपने सिंगों को वो जालों पे रगड़ रहा है। देख कितना सुंदर देखने के लिए लगता है। चूंकि यहाँ पे एग्जीबिशन में तो सामने आप देख सकते हैं एक ओरिजिनल जो है टाइगर था जो कि मर चुका है, उसकी अभी जो है खाल को प्रिजर्व किया गया है केमिकल से और इस टाइप से इसका बुत बनाया गया है और बुत बनाकर कुछ ये इस टाइप से लगता है। इसकी आप जो है जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है जो कि ये साइबेरियन टाइगर है। अभी हम टाइगर ऊपर देख रहे हैं, लगभग उस टाइगर से डबल टाइगर है, डबल हाइट है और डबल इसकी चौड़ाई है। साथ ही ये जो है स्नो लेपर्ड है जो कि उत्तराखंड में भी मिलते हैं बर्फीले वाले जगहों पे। उत्तरकाशी में हमने पढ़ा है कि उत्तरकाशी में लंका जगह है वहाँ पे जो है ये वहाँ पे इनको संरक्षित किया जाता है। टॉप में और इस रास्ते पे चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में जो है टिफिन टॉप पहुँचते हैं, वहाँ से हमें जो है नैनीताल का क्या व्यू देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का नज़र आता है मसूरी का टिफिन टॉप के नीचे कैंटीन के पास से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिफिन टॉप का, तो कुछ इस टाइप के नज़ारे यहाँ से आते हैं। ज़बरदस्त है यहाँ पर आपको चढ़ाई काफ़ी करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो है एक एडवेंचर एक्टिविटी भी आप भी कर सकते हैं। और साथ में बोटिंग का भी यहाँ पे ऑप्शंस हो रखे हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे, साथ में बोटिंग हो रही है और पानी में जो है काफ़ी सारे पौधे उग रखे हैं। चाहे तो साइकिलिंग होती है, देखिए दो दो आदमी जो है यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी है, वहाँ पे वाटरफॉल भी बनाया गया है और यहाँ पे लटक के जो है लोग काफ़ी सारे जा रहे हैं। तो अभी जो है नाइट का जो है मंजर काफ़ी जो है ज़बरदस्त यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट में और वहाँ देखते हैं कि क्या देखने के लिए हमें मिलता है। गजब के जो है रेस्टोरेंट और दुकानें जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। गजब का जो है यहाँ पे काम दुकानों का है और सामने जो है इतनी अच्छी तरह से मार्केट सजाया गया है दीपावली के टाइम पे। और ये देखे टोपियां हैं बच्चों की। जब का जो है यहाँ से जो है ये रेस्टोरेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो रात को जो है नाइट में जो है काफ़ी अच्छी दुकानें दिखाई पड़ रही हैं। और ये देखिए हॉट कॉर्न भी जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं माँ नैना देवी टेंपल पे, तो अंदर चलते हैं और टेंपल में दर्शन कर लेते हैं। तो बाहर से कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है माँ नैना देवी का टेंपल, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं टेंपल कैसे लगता है। तो चलिए चलते हैं टेंपल पे और दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बालाजी के टेंपल पे। तो सबसे पहले जी जय बालाजी, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान पे जो है हमें दर्शन हो गए। और नैना जी के टेंपल में शायद मेरे हिसाब से तो अभी गेट लगभग बंद हो चुके हैं और ऊपर से एक क्या गजब का जो है टेंपल देखने के लिए दिखाई देता है। साथ में बहुत सारी यहाँ पे घंटियाँ लगाई गई हैं। और टेंपल कुछ सामने से ऐसा दिखाई पड़ता है, काफ़ी सजाया हुआ है टेंपल।
और यहाँ पे खूब सारी जो है बड़ी बड़ी घंटियाँ लगाई गई हैं, तो इन्हें बजा देते हैं। अभी टेंपल बंद हो चुका है, पर रात को जो है यहाँ के कुछ अलग ही जो है रौनक बनी हुई है। तो यहाँ से जो है अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से नैनीताल का क्या मनोरम जो है दृश्य दिखाई पड़ता है। साथ ही भोलेनाथ जी की हमारे जो है दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी की यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी मूर्ति बनी गई है, भोलेनाथ जी का टेंपल है। और यहाँ से कुछ इस टाइप का टेंपल दिखाई पड़ता है, इतना सुंदर टेंपल जो है नैनीताल में होना एक अचंभे की बात है। और आपको जो है इस टेंपल के बारे में एक जानकारी दे देता हूँ कि टेंपल जो है इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये नैना देवी का जो टेंपल है, और भगवान शिव जी जब सती माता को लेकर आकाश मार्ग से ले जाते हुए उनके शरीर से उनकी आँख यहाँ पे गिर गई थी, तो उससे जो है नैना झील बनी थी ये वाली जो अब मेरे पीछे है। और इस झील के पास में ही ये नैना देवी की टेंपल है, और दूसरी आँख हिमाचल की किसी जगह पे। इस कारण जो है भारत में दो नैना देवी के टेंपल है।